विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी के तहत मंगलवार को प्रशासन ने आओ एक दीप जलाएं, मतदान का अलग जगाए का संदेश लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल रैली निकाली। एसडीएम कार्यालय से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में एनसीसी, स्काउट दल, छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के आगे आगे दो अधिकारी मशाल लिए चल रहे थे, जबकि स्कूली बैंड की धुन लोगों को बरबस ही रैली की ओर आकर्षित कर रही थी। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए उत्कृष्ट स्कूल मैदान पहुंची, जहां बड़े मैदान में 17 नवंबर मतदाता की आकृति उकेरी गई, जिसमें रैली में शामिल लोगों ने दीप जलाए, सभी को मतदान करने व मतदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जिला निर्वाचन अधिकारी खरगोन। मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 17 तारीख को, 17 नवंबर को जो है वो मतदान होना है, और आप लोग जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं वो स्वयं जाएंगे, और जो 18 साल के नहीं है वो अपने घर वालों को, जो 18 साल से बड़े हैं, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, काका काकी हो, चाचा चाची हो, उन सबको प्रेरित करेंगे कि वो 100% मतदान जो है वो जाकर करे, निष्पक्षता के साथ में करें, बिना किसी दबाव के साथ में करें। तो आज जो है आप सब लोगों के सामने ऑब्जर्वर साहब भी जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमसे भी बड़े अधिकारी जो हैं वो उस राज्य से आए हैं, और निर्वाचन की जो पूरी गतिविधियां हैं उनको सुपरविजन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये बड़े अधिकारियों के समक्ष जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जो निर्वाचन करना है उसको लेके हम लोग संकल्प आज लेंगे, तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि वो संकल्प की मुद्रा में आ जाए। मैं संकल्प पत्र को पढ़ूंगा, आप सभी उसको दोहराएंगे, और उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सीधा सामने लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेता हूँ कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखूंगा, तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। धन्यवाद। देखिए, मतदाता जागरूकता के लिए लगातार यहाँ प्रयास चल रहे हैं। पिछली बार 79% एवरेज जो है वोटिंग हुई थी, हमारा इस बार टारगेट है कि हम 80% से अधिक और बल्कि 100% तक वोटिंग जो है वो करवाने के लिए जागरूक करें लोगों को, और लगातार लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और इसी के अंतर्गत तो पूरे जिले में स्वीप की एक्टिविटीज चल रही है, उसी के तारतम्य में आज की एक एक्टिविटी थी। ऑब्जर्वर्स जितने भी जो बाहर से आए, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स आए थे, उनके समक्ष ये एक्टिविटीज़ की गई, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। आपके माध्यम से मैं सभी खरगोन वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मतदान के लिए 18 साल से पूरा कर लिए हैं और 18 साल से अधिक उम्र के नागरिक हैं, वो मतदान करने जरूर जाए। 17 तारीख को मतदान करें, निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर मतदान करें। भारी मात्रा में सर जो है जो लोग कैश ले जा रहे हैं उनको भी निरंतर कार्रवाई होगी। देखिए, एमसीसी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और जो निर्वाचन आयोग के जितने भी दिशा निर्देश हैं हम उसका सख्ती से पालन करवा रहे हैं। इसी के तारतम्य में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है, और जो जो हमारी FST SST जो नाके लगे हुए हैं उन नाकों में चेकिंग के दौरान यदि केस पाए जा रहे हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है, लीकर के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई अभी भी चल रही है, बड़े लेवल पे अभी हुई है और आगे भी लगातार चलती रहेगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।